बॉलीवुड में किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस का हमशक्ल मिलना आम बात है, लेकिन आज जिस हमशक्ल को हम आपको दिखाने वाले हैं वो देखकर आप भी असली और नकली में पहचान नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हमशक्ल देखकर हर कोई हैरान है। जब इस बात की खबर खुद सीएम सोरेन को मिली तो वो भी उससे मिलने को बेचैन हो गए और बीते बुधवार को उन्होंने अपने हमशक्ल हटिया के रंगमंच कर्मी मुन्ना लोहरा से मुलाकात की। इस दौरान मुन्ना लोहरा का परिवार भी उनके साथ था। अपनी इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि एक हेमंत की दूसरे हेमंत से मुलाकात। रंगमंच के सते हुए कलाकार मुन्ना लोहरा और उनके परिवार से मुलाकात के साथ लंबी बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान मुन्ना लोहरा ने सीएम सोरेन को रंगमंच के कलाकारों की समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर उन्होंने कहा कि रंगमंच के कलाकारों को उन्होंने काफी करीब से देखा है और उनकी समस्याओं से मैं अवगत भी हूं। आने वाले समय में कलाकारों के लिए प्रतिबद्धता से काम करेंगे। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियों के कई हमशक्ल देखे होंगे, मगर आज आपको हम जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमशक्ल है। यकीन मानिए, जब आप उनको देखेंगे तो आप भी एक पल के लिए जरूर उन्हें हेमंत सोरेन ही समझेंगे। मुन्ना जी, कैसे लगा कि कब लगा कि आप मुख्यमंत्री के भेष में आए? लोगों का दृष्टिकोण है कि हम मुख्यमंत्री के भेष में लग रहे हैं, लेकिन ये मेरा नेचुरल दाढ़ी है अपना और मैं एक अभिनेता बतौर एक कलाकार हूँ। क्योंकि कोई फिल्मों में या मूवी में किसी कैरेक्टर को कभी दाढ़ी तो कभी क्लीन शेव रखना पड़ता है, तो मेरी दाढ़ी, एक डायरेक्टर ने बोला कि मुझे थोड़ा दाढ़ी बड़ी चाहिए, तो मैंने रखा दाढ़ी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्योंकि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी होटवार जेल चले गए थे, उससे पहले से मेरी दाढ़ी थी और जब वो निकले तो लोगों में एक सुगबुगाहट हुई कि भाई आजकल हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हो मुन्ना, क्या बात है, उसका फ़ैन हो गए हो। फिर मैंने सोचा कि भाई लोग इतने इधर उधर से सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ये है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मुन्ना जी लग रहे हैं, तो मुझमें भी एक अंदर से ये फील हुआ कि वाकई में मैं हेमंत सोरेन की तरह दिख रहा हूँ। तब मैंने अपने आप को गौर करने लगा, चूँकि मैं एक आम आदमी हूँ, मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेकिन पेशे से मैं एक कलाकार हूँ और हमारे घर में भी मेरे चचेरे भाई लोग, जैसे शिवनंदन लोहरा हो गए जो अच्छे चित्रकारी है, सुरेश लोहरा हो गए वो अच्छे थिएटर कर्मी है, वो भी रंगकर्मी थे, उनसे प्रेरित होकर मैं भी नाटक करना शुरू किया, ड्रामा लाइन में आया। और एक मेरा छोटा भाई मतलब कज़न है दीपक लोहरा, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से स्नातक है, और तमाम जितने घर वाले लोग, भाभी लोग भी है और मेरे घर वाले लोग भी हमें इस क्षेत्र में थोड़ा सा प्रमोट किए। मुन्ना जी, क्या होता है जब आप जाते हैं कहीं पर, लोगों का क्या रिएक्शन मिलता है आपको देखकर? अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब मैं मार्केट जाता हूँ तो लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग सेल्फी लेने लगते हैं। अब मेरे साथ में ये समस्या हो गई कि अब हमें मार्केट भी जाना पड़ रहा है तो हेलमेट लगा के जाना पड़ रहा है, मास्क लगा के जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई फिर इस तरह का कॉस्ट्यूम पहन के नहीं जा पाते हैं, तो हम किसी एक नॉर्मल आदमी की तरह जा रहे हैं और छिप छिप के अपना जो भी कार्य है वो कर लेते हैं। काफ़ी दिक्कत हो रहा है जब आप बाहर निकल। और रही बात थी कि हम जिस फील्ड में है, आज से 25 वर्ष पहले की बात है, उस समय से मैं स्ट्रगल करते आया हूँ, लेकिन अभी तक सरकार ने मेरे लिए, जबकि मैं देश के कई राज्यों में अपना प्रस्तुति कर चुका हूँ और अच्छे अच्छे राइटर डायरेक्टर के साथ मैंने काम भी किया, लेकिन पहचान तो है, पहचान है, लेकिन आर्थिक रूप से हमें सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मेरा इस फील्ड के अलावा किसी तरह का कोई इनकम का स्रोत नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्र में किसी विभाग में अस्थाई रूप से अगर मुझे एक जगह दे दे, प्लेसमेंट दे दे, ताकि मैं अपने जो परिवार है, हमारे दो बेटियां हैं, वाइफ है और एक खपड़ेल का मकान है, वो थोड़ा स्थिति सुधार जाएगा तो हम आने वाला जो भी संस्कृति यहाँ की है और सभ्यता है, तो उसको हम टेंशन मुक्त होके और कलाकारों को इसमें प्रमोट कर सकते हैं। आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, हेमंत सोरेन से मिले उस दिन, क्या कहा मुख्यमंत्री ने जब आप उनसे मिले?
उन्होंने कहा कि ठीक है मुन्ना, मैं आपकी बातों को अच्छी तरह समझ रहा हूँ और मैंने कलाकारों के लिए एक पॉलिसी ज़रूर मैं दूंगा और आपके लिए भी मैं एक जगह आपको रखूंगा जो आप अच्छे से उस कार्य को निभाएंगे। पहला रिएक्शन क्या था जब आप मुख्यमंत्री के पास गए, तो मुख्यमंत्री का पहला रिएक्शन क्या था? जब मैं मुख्यमंत्री के पास गया तो उनके गेस्ट हाउस में हम लोगों ने बैठा, बैठने के बाद इंतज़ार किए हम लोग भी कम से कम 10-15 मिनट, उस बीच में कॉफ़ी चाय उन्होंने फिर पिलाए। उसके बाद वो जब वो आए तो हम में भी एक उत्सुकता थी और उनमें भी एक एक्साइटमेंट था आखिर कौन है, और हम भी सोच रहे थे कि उनका क्या रिएक्शन होगा। तो ये सारा फीलिंग मतलब मन में चल रहा था। जब वो अचानक आया, जब मैं उनका पैर छूने के लिए गया तो वो हमें एकदम प्यार से गले से लगा लिया। अरे मेरा छोटा भाई, कहाँ कुंभ मेले में खो गए थे? तो मैं गदगद हो गया और एकदम गले लगा के फिर बोले कि आप बैठो। फिर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। क्या विधानसभा आने वाला है अभी, क्या आप JMM के लिए, हेमंत सोरेन जी के लिए प्रचार भी करेंगे? अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मौका देंगे तो मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि हम शुरू से उनके जितने भी आज तक इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ है, तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में जाकर मतलब उनके जितने विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, तो JMM के लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया है और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में उनकी सरकार फिर से आए और वो अच्छे से इस राज्य के लिए विकास के बारे में सोचे और ढेर सारा योजना लाए। और हम तो बार बार बोल रहे हैं कि एक कलाकार की भी अच्छी योजना लाए ताकि उनको आर्थिक रूप से मदद मिल सके। ये थे मुन्ना लोहरा, जो साफ कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से उनसे बात हुई है और मुख्यमंत्री ने उनके लिए कई तरह के मदद करने का वादा भी किया है। साथ ही साथ कहा कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, अगर मुख्यमंत्री के तरफ से उन्हें किसी भी तरह की बातें होती हैं तो वो विधानसभा में JMM का प्रचार करने मैदान में ज़रूर उतरेंगे। चंदन सिन्हा, ABP News, रांची।